ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। अपनी तीखी जुबान के लिए चर्चित कांग्रेस के पूर्व मंत्री बंसबड़ी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही बताकर बवाल खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आप ही बताइए कि ये घोर अन्याय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, लेकिन ये निकम्मा देशद्रोही प्रधानमंत्री धंधे किया क्या, इसने फिर से एक गुना कर दिया। इन तमाम चीजों के विरोध में 2008-09 में कच्चा तेल का जो रेट था उससे आज की तारीख में कच्चे तेल का रेट कम है बैरल के ऊपर, लेकिन उस समय 25 से लेके 30 रुपए डीजल पेट्रोल का रेट था। अब आज 85 से लेके 90 रुपए के आसपास डीजल पेट्रोल का रेट पहुंच गया। मेरा ये कहना है, मेरे मांग पत्र में लिखा हुआ है कि किसी भी कीमत पर 2008-09 की स्थिति में उस समय जो रेट था वही रेट डीजल पेट्रोल का किया जाए। दूसरी बात, ये सरकार इतना धोखा दे रही है हमारे साथ, जनता के साथ, भारत के जनता के साथ। यही डीजल पेट्रोल वो 35 रुपए 36 रुपए विदेश में बेच रहे हैं और हम लोगों को 85 रुपए दे रहे हैं। हम हिंदुस्तान के लोग, जहां वो पैदा होता है, जहां वो बनता है, जहां रिफाइन होता है, वहां